आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। मात्र ढाई दिन में शिप्रा मैया का जल लेकर कावड़ पदयात्री पहुंचे पान से मल स्थानीय माँ सप्तश्रृंगी। कावड़ पदयात्रा मंडल पान से मल के व्यवस्थापक दत्तात्रेय देवरे ने कहा कि उज्जैन से पावन सलीलामान शिप्रा जी का जल कलश में भरकर केवल ढाई दिन में पैदल यात्रा पूरी की गई है। कोरोना संक्रमण काल होने से स्लो रनिंग थीम के आधार पर केवल ढाई दिन में करीब 300 किलोमीटर की यात्रा पूरी की गई है। पदयात्रा मंडल के संचालक पंडित भटू कुलकर्णी ने बताया कि ग्राम जलगौन के प्रेरणा स्रोत व मार्गदर्शक पूज्य ओखा जी महाराज द्वारा शुरू की गई इस यात्रा का 50वां वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। पहले चरण में हमारे द्वारा पान से मल जल लाया गया है। दूसरे चरण की पदयात्रा 7 दिवस की होगी। पदयात्रा में पान से मल सहित तहसील के ग्राम जलगौन, ढोंडवाड़ा, दिगर घाटी, रायचूल बंधारा, घटिया व महाराष्ट्र के नंदुरबार, शिंदखेड़ा, गधरदेव, मेंदाने के करीब 32 पदयात्री शामिल हुए। पदयात्रा का दूसरा चरण अक्टूबर माह में होगा। जानकारी मंडल के प्रमुख सदस्य सुरेश सोनेस ने दी। पान से मल से सतीश केवड़ की रिपोर्ट। महाराज जी, क्या नाम है आपका? भटू माकांत कुलकर्णी। अच्छा, ये जल भर के रहो, कब निकले थे आप और आज पहुँचे और 50 साल आज पूर्ण हो रहे इस यात्रा को, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तृत बताइए। ये हमारे परम पूज्य ब्रह्मलिंग उखा जी महाराज, इन्होंने ये यात्रा शुरू करी थी। उनका शरीर पूरा होने के बाद में उन्होंने मुझे उत्तरदायित्व दिया और उनका मैं निर्वाह कर रहा हूँ। ये हमारा यात्रा का 50वां वर्ष था, तो ये कोरोना काल को चलते हुए हमने इस यात्रा को हमने खड़ी कावड़ रखी है, मतलब दौड़ते हुए लाए, हम कहीं रुके नहीं। ढाई दिन में हमने ये यात्रा पूर्ण की। और आपको तो भेंट कर रहे हो 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य। हाँ, जो हमारे अन्नदाता इस कावड़ यात्रा को जो सहयोग करते, तो हमारे मंडल के जो अध्यक्ष दत्तू भाई देवरे, इन्होंने विचार विमर्श करके हमारे अन्नदाताओं के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग, जिसका बड़ा महत्व होता है, वो हम हमारे अन्नदाता को भेंट स्वरूप में 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में दिए जाएंगे। कितने सदस्य गए थे इस बार? इस बार हम कोरोना को देखते हुए सिर्फ 32 लोग गए थे। अच्छा,